मैं तेरा जैसे पिंगमन पंचा तू मेरी चेन प्यार का नशा कर ले और घूमे फेरी टेल ऊपर है काले बादल नीचे मेरी काली गाड़ी गर्मी है थोड़ी सादा विंडो नीचे कर डाली विंड फिर लो करे गाड़ी मेरा क्रूज लगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल, इसका नाम है रैप बॉथ रिकॉर्ड्स एंड को। मेरा नाम वरुण कुमार है, मैं एक रैपर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हूं। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि मैं इस तरह के कंटेंट प्लस एफएल स्टूडियो ट्यूटोरियल्स, बीट मेकिंग ट्यूटोरियल्स और म्यूजिक से रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट अपने चैनल पे रेगुलर डालता रहता हूं। थैंक्स। और अभी जो आपने इंट्रो में गाना सुना वो मैंने कुछ दिन पहले रिलीज किया है। गाने का नाम है कैसा नशा, फ्रॉम द ईपी रिहैब। तो अगर आप लोगों ने उसे नहीं सुना है तो प्लीज जाके चेक करो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और एक बार जाके सुनो और प्लीज बताना कमेंट में गाना कैसा लगा, क्योंकि तुम्हारे भाई ने बहुत मेहनत करी है यार। और एक बात, अगर आप एक रैपर हो और आपको हमेशा बीट्स की इशू होती है, आप यूट्यूब से फ्री बीट यूज करते हो या फिर कॉपीराइट वाले बीट यूज करते हो जिसे आप स्पॉटिफाई या फिर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं डाल सकते, तो मेरे पास एक सॉल्यूशन है। मैं फिल्म स्टूडियो का 7 दिन का क्रैश कोर्स लेके आ रहा हूँ। इसमें मैं आपको 7 दिन के अंदर बीट मेकिंग प्लस मिक्सिंग मास्टरिंग सिखाऊंगा। आप अपने खुद के गाने खुद से मिक्स मास्टर कर सकते हो, उसके लिए खुद से बीट बना सकते हो। तो अगर आप इस कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज मुझे रीच आउट करो, मैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मुझे डीएम करो और फिर मैं आपको आगे की डिटेल्स शेयर करता हूँ। थैंक्स। तो हम सीधा आते हैं अब रिएक्शन पे। आज हम सुनने वाले कृष्णा का गाना रोल अप, जिसमें बादशाह ने फीचर किया है और ये कृष्णा का दूसरा गाना है फ्रॉम द एल्बम स्टिल हियर। तो मैं एक बात बताता हूँ, कृष्णा के लिरिक्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने कृष्णा और अवतार का गाना सुना होगा, साथ या खिलाफ। कृष्णा ने उसमें एक लाइन बोली है, मेरे बार्स देते रैपरों को शॉट जैसे ये नाइट क्लब। अब ये सुन के लग रहा है कि इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग है कि कृष्णा बोल रहे हैं कि मेरे बार्स लाइक हिज लिरिक्स हिज बार्स जो है वो दे गिव शॉट्स लाइक ब्रिंग शॉट्स टू द रैपर्स लाइक नाइट क्लब। नाइट क्लब में जैसे ड्रिंक्स के शॉट मिलते हैं वैसे उनके बार रैपर्स को शॉट देते हैं, ड्रिंक के शॉट देते हैं। इसका एक और मीनिंग निकल सकता है कि हिज बार्स गिव शॉट लाइक ए गन शॉट टू द रैपर्स जैसे ये नाइट क्लब। और इन्होंने नाइट क्लब को फाइट क्लब के साथ राइम किया है। तो देयर इज ए हिस्ट्री ऑफ वायलेंस इन्वॉल्व इन द नाइट क्लब जहाँ पे पीपल वेयर एक्चुअली गॉट शॉट। और इफ वी कम टू द होल सर्कल, कृष्णा ने 3 लाइन पहले बोला था, 99 वाला एम और मेरे पेन में ही प्रूफ है। सो बिग प्रूफ वॉज ए गुड फ्रेंड ऑफ एमिनेम, ही वॉज ऑल्सो ए रैपर एंड ही वॉज शॉट इन ए नाइट क्लब इन 2006। सो एक लाइन, सिंपल सी लाइन की इतनी कॉम्प्लेक्स मीनिंग हो सकती, किसी ने सोचा नहीं था, मुझे भी पहले पता नहीं था। मैंने गाने को 4-5 बार सुना फिर मुझे समझ में आया कि इस लाइन का इतने सारे मतलब है। और एक लाइन हो सकता है कि दूसरे लाइन से कनेक्टेड हो, तो कृष्णा के लिरिक्स बहुत ध्यान से सुनने पड़ते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है। तो लेट्स गो और सुनते हैं कि हमें इसमें कौन से कितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लिरिक्स मिलते हैं। और मैं बादशाह के वर्स के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, सो लेट्स गो। When I roll up, started on the bank of gang signs, everybody knows when I roll up. Okay, he's saying like when I roll up, सारे बंदे फेंके गैंग साइन। सो गैंग साइन मीन्स कि जितनी कृष्णा की आवाम है, दे आर शोइंग लव टू कृष्णा। सो इट मे बी द मीनिंग। शीशे नीचे पूरे नाइट में तो राइड करूं स्लो, when I roll up. Sare londe banke gang signs, everybody knows when I roll up. सो ही स्टार्टिंग विथ द हुक, और हुक बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा साउंड कर रहा है। और जो बीट भी है, बीट भी बहुत सही साउंड कर रहा है, पीछे मेलेडी बज रही है, सिंपल पियानो है और बहुत अच्छा साउंड आ रहा है टोटल, इन टोटल अगर हम साउंड की बात करें। शीशे नीचे पूरे नाइट मैं तो राइड करूं स्लो, रोल अप नो डिफीट आ जीत के, स्ट्रीट से सीख के इरादे मेरे डीप थे वास्ते मेरे भी ये संगीत से, अटलांटिस है ये रैप गहरे नाते मेरे बीट से। ओके, ही कनेक्टेड डीप विद अटलांटिस। सो ये स्टिल इस गाने स्टार्ट होते ही गेम प्ले स्टार्ट कर दिया। सो डीप है संगीत और ही इज टेलिंग नाउ अटलांटिस है ये रैप गहरे नाते मेरे बीट से। सो अटलांटिस इज ए फ्रिक्शन ओशन और ही इज कनेक्टिंग इट विथ गहरे नाते मेरे बीट से, लाइक सो डीप ही हैज रिलेशन विथ द बीट इज टेलिंग आई गेस। मुझे फिर से सुनना पड़ेगा, ये तो मुझे स्टार्टिंग में समझ आ रहा है, हो सकता है इसके कोई और मीनिंग हो और ये लाइन किसी और लाइन से भी कनेक्टेड हो, तो फिर मैं इसे जब बाद में सुनूंगा तो मुझे पता चलेगा अच्छे से। चीट रे किए इनके लिए नहीं है सन, मैंने बोलते लिरिक्स रख सिंपल थोड़ा आराम ले।
ओके। सो पीपल टेल हिम नॉट पीपल मतलब जो कृष्णा के सपोर्टर्स नहीं है, जो बाकी और दूसरे रैपर के सपोर्टर है, उन्हें लगता है कृष्णा के लिरिक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो वो उन्हें बोलते हैं कि अपने लिरिक्स को थोड़ा सिंपल रखो और आराम ले लो, बट इज टेलिंग ही ये कभी आराम नहीं लेंगे, ऐसा कुछ बोल रहे कृष्णा। अर्जुनी लिरिक्स से बनाई है पहचान, मैंने दारू वाला नहीं पर छोड़ा इन्हें बेजान, मैंने ताड़े समझ में ना आए क्या, बाल बाल बचे जैसे यहाँ कोई नहीं था। This is a double entendre, I guess. Just a minute. बाल बाल बचे जैसे यहाँ कोई नहीं था। बाल बाल बचे जहाँ जैसे यहाँ कोई नहीं था, नहीं था। बाल बाल बचे जैसे यहाँ कोई नहीं था, and नहीं था is also नहीं था। नहीं means the barber who cuts the hair. So we connecting बाल बाल with नहीं था। चुपके चले चाल बीफ में कसाई का, दिखे जरा फेम अब बनेगा तू भी भाई क्या, मेरा दौर आया मूड हुआ खराब इनका, होता अफसोस देख के मुझे यहाँ जिंदा, पर सूखी घास में मिलता नहीं है खास दिन का, मुझे चाहिए लेगेसी तुझे कमाना 5 दिन का। कैसे डिफरेंस बिटवीन करेक्ट, सो ही इज टेलिंग इन्हें चाहिए लेगेसी और बाकी रैपर्स द पीपल, बहुत सारे रैपर्स जो है वो फेम के लिए भाग रहे हैं, कृष्णा इज नॉट गोइंग फॉर फेम, दैट्स व्हाट ही मीन हियर आई गेस। क्वीन मी एंड यू, मैंने सब बनाया खुद जैसे B&Q, B&Q, मैंने सब बनाया खुद जैसे B&Q क्या है, B&Q, मैंने सब बनाया खुद जैसे B&Q, मुझे गूगल करना पड़ेगा। रात मेरे बादशाह गेड़ियां पूरी रात था, डॉलर साइन दिखे ज्यादा जैसे डाला है डाका, When I roll up सारे लौंडे बैंक के गैंग साइंस, Everybody knows When I roll up शीशे नीचे पूरे नाइट मैं तो राइड करूं स्लो, When I roll up सारे लौंडे बैंक के गैंग साइंस, Everybody knows When I roll up शीशे नीचे पूरे नाइट मैं तो राइड करूं स्लो, डाले अपने सिक्योरिटी गार्ड में कला अनपाड़ में तर जैसे ताड़ में, उठा तूफान हो जैसे रेगिस्तान में, टन बोल कर शारजा 1998 में। ओके भाई, बादशाह भी बहुत कॉम्प्लेक्स लिरिक्स लेके आ रहे हैं यार, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मतलब बादशाह इज़ अ वेरी गुड अंडरग्राउंड रैपर, जितने जब उनकी कमर्शियल म्यूजिक से तुम उनको कंपेयर नहीं कर सकते उनकी अंडरग्राउंड म्यूजिक को, वो अंडरग्राउंड में बहुत अच्छे लिरिक्स लिखते हैं, सो ही इज़ गोइंग गुड। वैगन के आगे से आर हटाया पीछे लगा जी, क्या 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 क्या, एक मिनट, से आर हटाया पीछे लगा जी पंजाबी, वैगन के आगे से क्या हटाया, वैगन के आगे से आर हटाया पीछे लगा जी, वैगन के आगे से आर हटाया, अच्छा आर, वैगन के आगे से आर हटाया पीछे लगा जी, आर वैगन, वैगन के आगे से आर हटाया, एक मिनट, पीछे लगा जी, एगोंग, AGONG, एगोंग, एगोंग का मतलब होता है सुप्रीम वॉरियर, मींस एक लीडर, एक वॉरियर, सो हो सकता है वो बोल रहे वैगन के आगे से आर हटाया पीछे लगा जी, सो ही मे बी कॉलिंग हिमसेल्फ अ सुप्रीम वॉरियर लाइक टॉप इन द गेम मे बी, मुझे इसे गूगल करना पड़ेगा। आर हटाया पीछे लगा जी पंजाबी में सिरा कराया आगे लगा जी, वो सिरा कराया पंजाबी में सिरा कराया आगे लगा जी, सिरा जी, सिरा जी ऑल्सो कैरेक्टर आई थिंक वीडियो गेम कैरेक्टर, पंजाबी में सिरा कराया आगे लगा जी, सो ही इज कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद द पीपल लाइक ही इज अ सुप्रीम वॉरियर, ही इज लाइक दीज पीपल, ओके, सिरा कराया आगे लगा जी, वो चाहे मेरा एंड मेरा पीछे लगा बी, वो चाहे मेरा एंड मेरे पीछे लगा बी, चाहे मेरा एंड मेरे पीछे लगा बी, ऐसी ड्रॉप करी मैंने पीछे लगा री, ओके रिवर्स, सब नंबरों का गेम बॉय व्यूज को मार गोली आजा तू स्ट्रीम्स में, बादशाह इज प्लेइंग लिरिकल गेम, ओ माय गॉड, मुझे एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं थी, लाइक ही इज गोइंग डीप, ओ माय गॉड, के मुताबिक वाना द हाईएस्ट पेस लेकिन नाच भी मार लेकिन लेता नहीं फीस में, ए शरारत होने वाली है इन्हें पता नहीं इनकी क्या हालत होने वाली है, निशाना मेरा कभी चूका नहीं कृष्णा है साथ में, महाभारत होने वाली है, थोड़ी बुद्धि गरम करवाना लियो गुद्दी गरम, पीरागढ़ी के फ्लाई ओवर जैसे हाई वेस्ट दिल्ली के लौंडे हमें कुत्ती फरम भाई, When I roll up
like a gang signs, everybody knows when I roll up. Shishe niche pure night, main to ride karu slow when I roll up. Sare londe venge gang signs, everybody knows when I roll up. Shishe niche pure night, main to ride karu slow. Krishna Badshah, nice song. Film by Manish Sunde, Living Legend. So Krishna ne pichle gaane ka naam tha unka Living Legend and he proved why he is Living Legend. So now let's talk about the song. Mujhe gaana kaisa laga? So starting with the beat or music, मुझे बहुत पसंद आया. The melody was very simple और जो beat था वो beat was hitting hard. जैसे drop आया और drop के साथ जो chorus sound कर रहा था और वो एक lo-fi melodic sound था, मुझे बहुत पसंद आया. और Krishna का जब verse आया तो Krishna ने भाई मतलब he proved why he is claimed to be one of the best in the game. और लाइक और सबसे इम्पॉर्टेंट कि मुझे बादशाह से लिरिक्स की इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लिरिक्स की उम्मीद नहीं थी, पर बादशाह प्रूव मी रॉन्ग. लाइक व्हाट ए लिरिक्स, बहुत मज़ा आया सुन के. और मुझे बादशाह के लिरिक्स भी समझ नहीं आ रहे थे, लाइक वेयर उन्होंने जहाँ पे वर्ल्ड से आगे निकाल के पीछे डालना वो सब कंपेयर किया है, तो वो मुझे फिर से सुनना पड़ेगा गाना, फिर मुझे समझ में आएगा. तो ओवरऑल मुझे गाना बहुत पसंद आया, एवरीथिंग वॉज गुड. और मैं अब और भी गाने के लिए वेट कर रहा हूँ. लाइक ये तो सेकंड गाना था उनके एल्बम का, और भी आगे गाने आएंगे, मैं उनके लिए वेट कर रहा हूँ. तो ऑल द बेस्ट कृष्णा को और उनकी आवाम को, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो बिकॉज ही इज़ डिजर्विंग आर्टिस्ट. और ये कोलैब का सबको वेट था एंड फाइनली इट केम एंड इट वर्थ इट. और बस यही है. और अगर आप यहाँ तक अभी तक टिके हुए हो, आपने इतना लंबा वीडियो देखा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, सपोर्ट करो मेरे चैनल को. और ये रिएक्शन और रिव्यूज़ वीडियो बनाना, दिस इज़ नॉट माई प्राइमरी कॉन्टेंट. मैं म्यूजिक के रिलेटेड बहुत सारे कॉन्टेंट बनाता हूँ, तो एक बार मेरे चैनल को भी चेक करना जाके. सो दैट विल मीन्स अ लॉट फॉर मी. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स अगेन.